डॉक्टर फिरदौस आशिक आह्वान के सियासी मुखालिफीन पर वार, कहा वजीर आजम को सिलेक्टेड का ताना देने वाले बिलावल खुद पर्ची से चेयरमैन सेलेक्ट हुए, उन्हें बस बरसी पर बेनजीर की याद सताती है। आवाम के साथ जीने मरने के दावेदार अपने वोटर्स को अकेला छोड़कर बैरूने मुल्क जा रहे हैं। मजीद बोली, महंगी गैस के जिम्मेदार शाहिद खाकान अब्बासी हैं। भारत में सेकुलरिज्म के झूठ की हार हुई और दो कौमी नजरिया जीत गया। मोदी सरकार के मुतनाज़ा शहरियत बिल पर भी तनकीद की। वजीर आजम पाकिस्तान को सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं और वो मसलसल इस किस्म की तनकीद करके जिसमें उनका हर लफ्ज बोल बोल के बयान करता है कि इनको जाती अनाद है, हसद है और बुगज है। तो जो कुछ लोग थे उन्होंने वोट को इज्जत दो का गली गली नारा लगाया था और उन्होंने कहा था कि हम इनको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो जिनको आप तनहा नहीं छोड़ना चाहते थे एक एक करके आप उनको अल्लाह की सुपुर्द करके तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो वो वोट की इज्जत दो वाला जो स्लोगन है, क्या वो आप दफन करके जा रहे हैं? क्योंकि आपके वोटर जो है वो तो आपने उनके साथ जीने मरने का दावा किया था। जो उनका हिंदुस्तान का दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा था, आज वो गली गली महल्ला महल्ला वहाँ शहर शहर नगर नगर मलिया मेट हो रहा है। तो लिहाजा हिंदुस्तान अपने अंदरूनी इंतशार, अंदरूनी अफरा तफरी और अंदरूनी जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे मीडिया की